वेस्ट बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी के पास से ड्रग्स बरामद कर उन्हें गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पामेला गोस्वामी अपनी कार में 100 ग्राम कोकीन लेकर जा रही थी। पुलिस ने उनके दोस्त प्रोबीर कुमार डे को भी गिरफ्तार किया है। दोनों लोग एक ही कार में सवार थे। दोनों की गिरफ्तारी न्यू अलीपुर इलाके में NR एवेन्यू से हुई है। पुलिस अभी तफ्तीश में जुट गई है और ड्रग से जुड़ी कड़ी खोज रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को पहले से ही पामेला गोस्वामी के ड्रग्स के लेन देन में शामिल होने का शक था। पुलिस का कहना है कि पामेला गोस्वामी और प्रवीर के बीच काफी लंबे समय से दोस्ती है और पुलिस को काफी लंबे समय से संदेह था कि पामेला गोस्वामी नशा के कारोबार से जुड़ी हुई है। पुलिस ने उन पर निगाहें रखी हुई थी। पुलिस ने बताया कि न्यू अलीपुर इलाके में वो लोग एक गाड़ी से आए थे। पुलिसकर्मी गाड़ी की तलाशी करने लगे। उस समय पामेला गोस्वामी के बैग से 100 ग्राम ड्रग्स जब्त किया गया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश करेगी कि इसमें और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस जल्द ही पामेला को अदालत में पेश करेगी। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पामेला गोस्वामी है कौन। पामेला बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़ी हुई है और भारतीय जनता युवा मोर्चा की बंगाल इकाई की महासचिव भी है। पामेला ने 2019 में पार्टी ज्वाइन की थी। उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट दिलीप घोष की मौजूदगी में पामेला ने पार्टी ज्वाइन की। अक्सर अपने सोशल मीडिया पर पामेला लगातार बीजेपी के रैलियों की तस्वीरें अपलोड करती रहती है। पामेला बीजेपी के नेताओं के साथ प्रचार करती हुई भी नजर आ चुकी है। इसके साथ ही पामेला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और ग्राउंड पर रहकर यंग वोटर्स को काफी मोटिवेट करती हैं। पामेला की तस्वीरें बीजेपी नेता मुकुल रॉय और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के साथ भी देखी जा चुकी है। पामेला गोस्वामी अपने प्रचार अभियान की तस्वीरें लगातार अपडेट करती रहती है। इतना ही नहीं, अपने साथ के नेताओं के साथ भी उनकी खूब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है। पामेला अपनी खूबसूरती को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहती है। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन को लेकर भी वो काफी वोकल रही। रिहाना से लेकर मियां खलीफा तक पामेला ने सब पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। पामेला का सोशल मीडिया इस बात का गवाह है कि वो पॉलिटिकली काफी वोकल है। पॉलिटिक्स में आने से पहले पामेला गोस्वामी एक मॉडल रह चुकी है। इसके साथ वो एयर हॉस्ट्रेस भी थी और बंगाली टीवी एक्ट्रेस भी रह चुकी है। वही इस मामले में बीजेपी का रिएक्शन भी आया है। बीजेपी ने कहा कि ड्रग्स बरामद करने के मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। हालांकि यदि गोस्वामी गलत है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। वही भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि पूर्व में हमने देखा है कि राज्य पुलिस ने सशस्त्र मामलों में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं का नाम शामिल कर दिया। इस मामले के बारे में मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं मिल पाई, इसीलिए मैं अभी ज्यादा कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूं। वही राज्य की मंत्री और तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये शर्म की बात है कि पार्टी की महिलाएं तक इस तरह के गैर कानूनी मामलों में संलिप्त पाई गई हैं। आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गिरफ्तार पामेला से इस बात की पूछताछ की जाएगी कि वो कार से मादक पदार्थों को लेकर कहां जा रही थी, उनके साथ और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, क्या वो किसी बड़े ड्रग्स तस्करी गिरोह का हिस्सा है। इन सारे सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। वही वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह का मामला जहां एक तरफ बीजेपी के लिए नुकसानदायी साबित हो सकता है, वही TMC को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।